नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर आप एक बड़ा हादसा, जिसमें आप देख रहे हैं जो गाड़ी है, आप देख रहे हैं जो पंजाब नंबर की PB10HU2529 नंबर की गाड़ी, जिसे तेज़ रफ्तार में पीछे से आता हुआ ट्रक टक्कर मारता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा परिवार इस गाड़ी के अंदर मौजूद था और किस तरीके से ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि ये हादसा जो है, बता रहे हैं कि पीछे से अचानक से बड़ा ट्रक आता है और उसके बाद आप देख लीजिए ट्रक भी, मजबूत ट्रक किस तरीके से डैमेज हुआ, यानी कि टक्कर कितनी तेज लगी थी, पूरा हादसा कैसे हुआ। स्लो थी हमारी गाड़ी, बिल्कुल स्लो थी, इतनी तेज लेके आया हमारा उसने, पीछे से तेज लाया, पीछे तेज से मारा, सीधा उड़ा के हमारी गाड़ी सारी टूट गई। हमारी गाड़ी नवी है, अभी ली है। मम्मा नहीं बैठे, उनके हाथ पर लगी है। हाँ जी, कहाँ जा रहे थे आप? हम वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन कहाँ से आए? हम पंजाब, लुधियाना से। लुधियाना से, लुधियाना से आए हैं परिवार और आप देख रहे हैं वृंदावन जाने की तैयारी जो है परिवार कर रहा था, जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो ड्राइवर है, वो यहीं कहीं नीचे जा चुका है, भागा है अभी नीचे की तरफ। और यहाँ पर फिलहाल ये पूरा हादसा नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर होता है, आप देख रहे हैं। और जिस तरफ ये हादसा हुआ वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पीछे की ओर आप देख सकते हैं गाड़ी के जो कंपोनेंट्स हैं सभी के सभी किस तरीके से टूटे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा होता है। जाम लगा हुआ था, पहले जाम लगा था, बस खराब की वजह से जाम, बस खराब की वजह से। सर मुझे पता नहीं लगा यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने गाड़ी को अपनी क्रॉस निकाला साइड से, इसने ट्रक वाले पीछे से गाड़ी लाके मारी है। मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसकी स्पीड थी, मेरी गाड़ी 80 पे थी। और ये ट्रक वाला कहाँ पर अभी? अभी ये सर नीचे गया हुआ, नीचे गया यहाँ से अभी निकल के। आपने पुलिस बुला ली? हाँ जी, पुलिस बुला ली। सभी गाड़ी में कितने लोग थे? पांच बंदे थे। ठीक है सभी? हाँ सब, मेरी वाइफ के हाथ पे लगी है, मदर के हल्की सर पे लगी है। घूमने के लिए जा रहे थे आप? हाँ जी हाँ जी, हम वृंदावन जा रहे थे। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख रहे हैं, सर क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जो है इनका नाम है। और अभी फिलहाल पूरा परिवार जो है वो घूमने वृंदावन जा रहा था, लेकिन कैसे ये हादसा होता है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। और फ्लाईओवर के ऊपर आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके से पीछे की ओर ट्रैफिक की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब है, एक बस पहले से ही आगे खराब खड़ी होती है। और जिसके बाद ये जब निकलने लगते हैं तो पीछे से आता हुआ ट्रक टक्कर मारता है। बता रहे हैं ड्राइवर जो है फिलहाल यहीं आसपास ही है कहीं पे, और फिलहाल पुलिस को भी जो जानकारी है वो दे दी गई है। आप सभी गाड़ी में बंदे बच के, मसा बचे हैं, लग जाती भीड़ हो सकता था। और क्या, गाड़ी देखो सारी खत्म कर दी उसने, आगे तक सब खत्म हो गया गाड़ी का। आपने बातचीत नहीं की? और यहाँ पर मैं आपको गाड़ी के हालात दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं गाड़ी जो है किस तरीके से ये डैमेज हुई हुई है। और यहाँ पर फिलहाल जो पूरी जो गाड़ी है वो पीछे से खत्म जो है वो हो गई है। और ये हादसा पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो गाड़ी का, ये देख लीजिए किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान गाड़ी का भी हुआ है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि परिवार की जान बच गई, इसका हम शुक्र ज़रूर करते हैं। लेकिन ऐसे ड्राइवरों पर नकेल कसी जानी चाहिए, ऐसे ड्राइवरों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। ये नंबर आप देख लीजिए HP 934031 नंबर का ये ट्रक जो कि आप देख पा रहे हैं। और पीछे की ओर जो टूटे हुए कंपोनेंट्स जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, जहां पर पूरा हादसा जिस तरीके से होता है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पार्ट्स हैं गाड़ी के वो भी टूटे हुए हैं। ठीक इसी जगह पर यह हादसा हुआ था और अभी फिलहाल ट्रैफिक की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दो गाड़ियाँ थी आपकी? हाँ जी, तीन ऊपर तो इसका ज़्यादा नुकसान हुआ है मैम। हम तो पीछे से आ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो आगे पता लगा, वो जोर की लगी हुई है गाड़ी। हाँ जी, फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि परिवार के जो लोग हैं वो फिलहाल वृंदावन जाने की तैयारी में थे, लेकिन किस तरीके से हादसा होता है। हालांकि मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुंच चुकी है, आप देख पा रहे हैं डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं जो ट्रक भी आगे से डैमेज है, इधर से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल जो मौके पर पुलिस आकर जो है अपनी कार्रवाई जो है अब आगे की ओर बढ़ाती हुई, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ। तो बता दें कि ड्राइवर को भी फिलहाल पुलिस जो है वो पूछ रही है कि आखिर इसका ड्राइवर कहां पर है। ड्राइवर भी अभी नीचे की ओर, बता दें इस फ्लाईओवर के नीचे
से और से अभी उतरा था, लेकिन वो कहां पर है ये पुलिस फिलहाल जानने का प्रयास कर रही है आवाज लगाकर। और यहां पर फिलहाल जो मौके पर ट्रक ड्राइवर पहुंचा है। हाँ भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार कहां से हो? पंजाब से। पंजाब कहां से? रोपड़। रोपड़ से। कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैं तो बीच वाली लाइन में आ रहा था, इधर बस खड़ी थी, आगे कार इधर, पहले कार उधर थी, उन्होंने कार एकदम इधर निकाल दी और आगे ब्रेक मार दी। रफ्तार कितनी थी आपके ट्रक की? मेरी 40-45 की स्पीड थी। रोड है आपका ट्रक? नहीं, खाली है। खाली है और आगे बस खराब खड़ी हुई थी। हाँ जी हाँ जी, काम लगा हुआ था। हाँ जी। साइड में करें एक बार। आप फिलहाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल डायलॉग 112 की जो टीम है फिलहाल ट्रक को साइड में लगाने के लिए बोल रही है। और अभी फिलहाल ये जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाहियां होती हैं जिसके बाद जो है इस तरह से हादसे होते हैं। आप देख लीजिए पूरे के पूरे लोग जो लोग हैं जिनकी गाड़ी में सारा सामान जो है आप देख सकते हैं पैक है, ये सब वृंदावन जा रहे थे और घूमने के लिए लुधियाना से ये चले सुबह, जिसके बाद हादसा करनाल के ही फ्लाईओवर पे, नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के ऊपर होता है। और देख सकते हैं कि जो पुलिस है फिलहाल वो भी ट्रक के अंदर जो है साथ में बैठ चुकी है ताकि किसी तरीके से जो ड्राइवर है वो भागने का प्रयास ना करे। और यहाँ पर फिलहाल ऐसे लोगों पर जो है नकेल कसने की ज़रूरत है जो लोग इस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। और आप समझ सकते हैं पूरे परिवार के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि परिवार की जान बची, इसका हम शुक्र करते हैं, लेकिन इस तरह के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी फिलहाल ट्रक को फ्लाईओवर से हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है जिस जगह ये पूरा हादसा हुआ, ताकि पीछे की जो स्थिति है ट्रैफिक की वो जो है ठीक हो सके। और आपको बता दें कि जहाँ पर हादसा हुआ उससे साथ ही है लिबर्टी की जो एक बस है वो खड़ी हुई थी काफ़ी समय से, जो कि बता रहे हैं कि ख़राब थी जिस वजह से आगे की ओर दिखता नहीं है और फिर ट्रैफिक जो है यहाँ पर लग गया जिसके बाद ये हादसा भी हुआ। तो अभी फ़िलहाल उसे भी हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दिन इसकी वजह से हुआ, अचानक वो गाड़ी रुकी ना, नीचे अपना रेस्टोरेंट है ठीक है, तो मैंने देखा एकदम से बीच में से निकल रहा था, उसकी भी गलती नहीं है ट्रक वाले की, क्यों बोले इनकी भी गलती नहीं है, गलती सारी इसकी है लिबर्टी वाली बस की। हाँ, यहाँ पे अब महीने पहले भी एक्सीडेंट हुआ था सेम। अब एक्सीडेंट होते हैं, इन्होंने ट्रैक्टर मंगवा लिया, पहले ट्रैक्टर नहीं मंगवाया? हाँ, आप जब नहीं मंगाया जब यहीं से रिपेयर करा रहे हैं। यही मैकेनिक लगे हुए? हाँ, यही लगे थे, टाइम पास कर रहे थे, कुल मिला फ्लाईओवर के ऊपर रिपेयर हो रही है। हाँ, मैंने अभी उनसे बात की, कहते अभी खराब हुई थी। नहीं नहीं, ये मेरे से अब 2 घंटे तो हमने हो गए देखते हुए, 2 घंटे से। हाँ, और वो आए थे, क्या पता रात की हो रही हो, हमने कहा कि दुकान खोली है, खराब ही थी। इतना बड़ा हो गया, पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल इस बस को यहाँ से हटाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। और अभी फिलहाल पुलिस से बात करते हैं उस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हादसा नहीं होता, बस खड़ी थी, हाँ जी। और अभी फिलहाल पुलिस से बात करते हैं क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, सर क्या कुछ जानकारी मिली थी मौके पर आए? 112 से हमारे पास तो मैसेज आया था रोड एक्सीडेंट का, तो हमने जैसे ही मैसेज देखा हम अपना उधर से चल दिए, जैसे ही इधर आए तो ये बस पहले से खराब खड़ी थी इधर, और इनको थोड़ी देर पहले बोल के भी गए थे हम, इन्हें भी बोल रहा था इनको। अच्छा, आप भी बोल कर गए थे जो बस खराब है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि अभी आ रही है, हमारी ना क्रैन मंगा रखी है कंपनी से और वो लेकर जा रहे हैं। हाँ, इनके पीछे वो लगा रखे थे, अभी तो इन हटा आए हैं या क्या किया वो तो पता नहीं, लेकिन कॉर्नर लगे हुए थे। बाद हटाया गया, पहले हट जाती तो नहीं होता। जैसे ये हादसा हुआ इन्होंने ट्रैक्टर मंगा लिया फटाफट हटाने के लिए। तो मैडम उधर हुआ, देखो आप भी देखो कितनी दूर हुआ है ना, कि बस के पास हुआ, बस से तो काफी हुआ, बस का तो मतलब ये नहीं है, लेकिन चलो यहाँ किस वजह से बोल रहे वो तो गाड़ी ये चला रहे पर ट्रैफिक स्लो में तो इतनी तेज कोई भी ट्रक टक्कर मारे की रफ्तार ज्यादा थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो रफ्तार ही इनकी नहीं ना, ब्रेक ली है और पीछे रफ्तार दी जब ही लगी है। सर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? आईओ बुला लिया, थाने में फोन कर दिया जी, आईओ आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। और अभी फिलहाल मौके पर आईओ जो है पहुंच रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और नेशनल हाईवे पर जितना हो सके सावधानी से गाड़ियां चलाएं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।